तथाकथित पत्रकार द्वारा लेडीज के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया गया। कई तरह के आपत्तिजनक शब्द भी बोले गए। लेडीज पत्रकार को जानती नहीं थी कि वह कौन है। लेडीज द्वारा पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि वह पत्रकार है, उनके घर के पीछे वाली गली में रहता है। लेडीज द्वारा पति को पूरी बात बताई गई तो वह पत्रकार के घर गए और यह सब करने का कारण पूछा गया तो लेडीज के पति को पत्रकार द्वारा लाठी से मारा गया, जिससे फरियादी के शरीर पर चोट आई है। फरियादी प्रशासन से अनुरोध कर रहा है कि उसे जल्द से जल्द न्याय दिलवाया जाए। आपके साथ क्या हुआ था? मैंने इसलिए किया था उसको बोलने के लिए, क्या कह गया कि मेरे घर थी उसने मेरे को मारने लगा। इसी बात पर तुम मेरे घर पर तुम आया क्योंकि आगे आपको मारा पुलिस को बुलाया, पुलिस को उसी ने बुलाया, पुलिस को उन्होंने बुलाया, उन्होंने घर घुस रहा आपका। पुलिस द्वारा क्या बोला गया आपको? पुलिस हम बार बार आपको मारने लगा था, डायरेक्ट मारने लगता आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे। उसने बोला कैसे कर रहा थे मान गया जिसके द्वारा ये सब किया गया। उनका नाम तो मेरे को मालूम नहीं किया नाम क्या होगा? अशोक। अशोक कहाँ रहते हैं? इन क्लास में रहते हैं, कम सामने रहते हैं। आप आगे पुलिस से क्या चाहते हैं? पुलिस जानते हैं हमें कि मेरा कुछ हेल्प मिला जाए, इसको किया जाए। आपने लोगों से मदद मांगी थी तो नहीं? कोई क्या बोला? कोई भी नहीं बोला। नहीं आपके द्वारा सभी को शिकायत भी कर रहे हैं, मदद मांगे लेकिन किसी तरह मदद नहीं कर रहे। नागदा तहसील के ग्राम पारदी की जनता कई तरह की समस्याओं से परेशान है। ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भी गांव से बाहर जाकर पानी लाना पड़ता है। वहीं गांव में स्वच्छता मिशन की भी धज्जियां उड़ रही है। नालियों के पानी की सही निकासी नहीं होने के कारण नालियों का पानी रोड पर आ जाता है। गाँव में पानी की टंकियाँ तो लगा दी गई है पर पर्याप्त पानी नहीं होने की समस्या से ग्रामीण परेशान है। एक और सरकार द्वारा योजनाएं तो बना दी जाती है पर आम आदमी तक योजनाएं आते ही उस पर कमियां आ जाती है। जैसे नल जल योजना तो गांव में आ गई पर पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं होने से अधूरी है। और स्वच्छ भारत मिशन तो प्रारंभ हो गया है पर पारदी ग्राम पारदी में स्वच्छता मिशन नहीं चलाया जा रहा है। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना पंचायत का कार्य है पर तीन डैम बनने के बाद भी ग्रामीणों को मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया। कुछ ग्रामीणों के द्वारा मनरेगा में कार्य किया गया तो उन्हें मजदूरी नहीं दी गई। जब गांव के सरपंच से इस विषय में जानकारी जाननी चाहिए तो उन्होंने बताने से मना कर दिया। उनका कहना है कि विभागीय अधिकारी नागदा को इस बात से मेरे द्वारा अवगत करा दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी को यह ज्ञात होने पर भी क्यों नहीं ग्रामीणों की मजदूरी दिलवाने का कार्य किया जा रहा है? मजदूरी करने वाले ग्रामीणों के नाम और कार्य दिवस गोविंद 14 हजरी, कैलाश 28 हजरी में 3,000 रुपये दिए, राजा राम 20 हजरी। ऐसे कई और ग्रामीण हैं जिनकी मजदूरी अभी तक पंचायत द्वारा नहीं दी गई है। अनुविभागीय अधिकारी को जानकारी होते हुए भी अभी तक मजदूरों को मजदूरी क्यों नहीं दी गई? क्या पंचायत द्वारा मजदूरों की मजदूरी को दबाने की कोशिश की जा रही है? क्या अधिकारियों की देखरेख में यह सब हो रहा है? अजीमाबाद पारदी है, ये
हजरत तहसील में लगता है। हजरत तहसील में यहाँ तो मुख्य समस्या क्या क्या है इस गाँव की? यहाँ पे पानी की समस्या है, बहुत ज़्यादा पानी की समस्या। थोड़ा सा पानी कंपनी देती है बस नाम के लिए, थोड़ा सा पानी आता है उसमें, वो टंकी अभी सूखी पड़ी है, थोड़ा बहुत आता है, कभी देखते हैं कभी नहीं देखते हैं, ऐसे करते हैं। और ये उनका पानी का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, और नालियाँ गंदी है, सब जगह गंदी फैली हुई है, हर जगह गंदगी भी है। साफ़ सफाई की व्यवस्था कैसी है? रोडों की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल गंदी है। जब अधिकारी लोग आते हैं तब भाग दौड़ कर उनके सामने थोड़ा बहुत कर देते, अधिकारी लोग चले जाते हैं, बाकी ऐसा जगह कर देते हैं। वहाँ पर सरपंच क्या है? रंगलाल रंगलाल जी। कितने समय से है ये? तीन एक साल, तीन चार साल से ये समस्या हमको पहले भी थी, पहले भी थी, पहले तो बहुत थी, अभी तो सुधर गया है थोड़ा थोड़ा। पहले भी थी उनके द्वारा कुछ कार्य किए गए या नहीं किए गए? उनके कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए गए? देखो उनके कार्यकाल में तो ये नाली वाली का तो कोई काम अच्छा उनसे नहीं हुआ है, पानी के लिए कुछ व्यवस्था करी गई, पानी के लिए कोई उनकी तरफ से अभी तक कोई अच्छा। और स्वच्छता के लिए कुछ? स्वच्छता के लिए, स्वच्छता के लिए भी कोई ज़्यादा नहीं किया गया। और रोडों का क्या, उनका रोडों के लिए कोई काम किया गया जैसे आने जाने के लिए? आने जाने के लिए ये जो रोडें हैं उनके लिए कोई कार्य किया गया रोडों के लिए? गाँव में किया है, गाँव में रोड अभी नया सरपंच, मेन रोड है इनका कोई कार्य किया गया? मेन रोड का नहीं किया, मेन रोड का करा ही नहीं कहीं, मेन रोड का खाली इतना ही करा था, ये किसने डलवाई है क्या मालूम, किसने डलवाई है, तुमने डलवाई क्या? मोनेर रोजगार दिया जाता है? मोनेर गाँव में यहाँ पर कोई एक भी किसी गांव वाले को रोजगार नहीं दिया जाता है अभी तक। एक बार अभी ये स्टाफ डैम का काम थोड़ा चला था तो ज़बरदस्ती मैंने खुद झगड़ झगड़ के उनको 5-10 मजदूर लगाए थे, तो उन लोगों के पैसे नहीं दिए, किसी के खा गए, बोल दिया हाँ डाल दिया हमने, ना आए नहीं तो हम क्या करें, इसे बता बता। गाँव के कितने लोग जुड़ेंगे आपके हिसाब से? बहुत लोग हैं पर काम किसी को नहीं देते हैं, काम किसी को भी नहीं देते हैं, और पेमेंट भी नहीं मिलता, पेमेंट नहीं मिलता, अगर कोई ज़बरदस्ती काम करे तो उसको पेमेंट नहीं देते हैं फिर। ये पंच इनके सरपंच रहने से पहले था कि इनके कार्यकाल में हुआ जो आज तक कोई मनरेगा में काम ही नहीं चला, आज तक कोई काम ही नहीं चला, कोई नहीं चला मनरेगा में, काम ही नहीं चलाया। पैसे काम करवाएगा तो पैसे तो पता नहीं लाखों रुपये निकल गए होंगे उस पर, मनरेगा में किसी ने काम ही नहीं किया, अगर किया हो तो बोले कार्ड वार्ड भी है, इसकी जमीन जाँच करवा ले, पर मनरेगा में किसी ने काम नहीं किया है, मनरेगा में कोई कार्य नहीं कर रहा, कोई कार्य नहीं कर रहा, कार्य भी करवाया जाता है तो पैसे नहीं दिए जाते, पैसे नहीं दिए जाते हैं।